जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करते हैं और क्विट कर जाते हैं, रिसर्च ऐसा बोलती है कि उनमें से 90% लोग अपने बिजनेस को शुरू करने के पहले महीने में, फर्स्ट 30 डेज में क्विट कर जाते हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, अधिकांश लोग जो इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं वो ये जान ही नहीं पाते हैं कि ये बिजनेस कितना बड़ा था और ये उनकी जिंदगी में क्या कर सकता था। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो व्हाई दे क्विट, बिकॉज उन्हें कुछ सही जवाब नहीं मिलते उनके कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस और डाउट्स के। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज और आप मुझे मान सकते हैं फ्रेंड, सपोर्टर एंड वेल विशर ऑफ एवरी नेटवर्क मार्केटर। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 8 उन अहम सवालों के जवाब देना चाहता हूं जो हर एक नए नेटवर्क मार्केटिंग एसोसिएट को जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज ये 8 जवाब आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए जो चाहिए वो सारी जानकारी देंगे। और अगर आप ऑलरेडी इस कमाल के बेमिसाल बिजनेस में हैं, आपकी ऑलरेडी एक टीम है, तो आपके नए एसोसिएट्स को इन सवालों के जवाबों की बहुत ज़रूरत है। आप आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन 8 सवालों के कमाल के शानदार जवाब सुनिएगा और उन्हें अपनी टीम में आने वाले हर नए एसोसिएट के साथ में शेयर करिएगा ताकि वो बिजनेस में टिके और एक लंबा बिजनेस करें। पहला सवाल जो लोगों के जहन में होता है इस बिजनेस के बारे में, इज इट रियली अ बिजनेस? क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग सच में एक बिजनेस है? देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बिजनेस होता क्या है? व्हाट इज अ रियल बिजनेस? लाइक मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मैंने इंडिया के लीडिंग कॉलेज से MBA किया, 4 साल एक मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब किया, 14 years आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग नाउ, सो दिस 2 decades ऑफ ऑलमोस्ट स्टडिंग बिजनेसेस एंड डूइंग बिजनेसेस, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक बिजनेस वो है जिसमें एक जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस इन्वॉल्व है, जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस इन्वॉल्व है, उसमें एक जेन्युइन सेलर है, जेन्युइन बायर है और जो कमीशन है वो अर्न किया जाएगा ऑन जेन्युइन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एक जेन्युइन प्रोडक्ट, एक जेन्युइन सेलर, जेन्युइन बायर और जो भी सेलर प्रयास करेगा, मेहनत करेगा इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसकी जेन्युइन सेल पे उसे कमीशन मिलेगा। और अगर यही बिजनेस की परिभाषा है तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी चीजें हैं। हमारे पास भी एक प्रोडक्ट है, हमारे पास भी एक बायर है, हमारे पास भी एक सेलर है और जितना भी कमीशन, इनकम, इंसेंटिव जनरेट होता है वो सारा का सारा जेन्युइन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स पे होता है। नेटवर्क मार्केटिंग ना यार हमेशा से एक कमाल का बिजनेस रहा है। ओनली प्रॉब्लम इज फ्यू इलीगल कंपनीज विद सम अनएथिकल पीपल एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। और अनएथिकल लोग ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में है बल्कि हर इंडस्ट्री में होते हैं। आपको सिर्फ अपनी समझ का, अपनी इंटेलिजेंस का, बुद्धि का इस्तेमाल करना है एंड यू नीड टू स्टार्ट बिजनेस विद अ जेन्युइन कंपनी, देन एवरीथिंग इज ऑल राइट। इफ यू वांट टू नो एंड इफ यू वांट टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ अ कंपनी, मैंने अभी 22 दिसंबर को मेरे YouTube चैनल पे कमाल का वीडियो अपलोड किया था, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। दूसरा सवाल जो इस बिजनेस को शुरू करते समय लोगों के दिमाग में आता है, दैट इज आई हैव नेवर डन सेल्स बिफोर, Will I be able to do this business without any sales experience? मैंने मेरी जिंदगी में आज से पहले कभी सेल्स नहीं किया है, तो क्या बिना सेल्स एक्सपीरियंस के मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? क्या इस बिजनेस को करने के लिए सेल्स आना जरूरी है? देखिए, अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली दिल से करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो यू डोंट नीड टू बी ए सेल्स पर्सन टू सक्सीड इन दिस बिजनेस। ये बिजनेस ना कुछ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने का बिजनेस है, ये बिजनेस आपने कुछ प्रोडक्ट्स को यूज किया और अगर आपको उनके परिणाम अच्छे लगे उनको बाकी लोगों के साथ बांटने का बिजनेस है। इनफैक्ट आई हैव सीन मेनी सेल्स पीपल जो सेल्स में कमाल के हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आके फेल हो जाते हैं, क्योंकि सेल्स नेटवर्क मार्केटिंग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सेलिंग प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। सो दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट सेलिंग माई डिफरेंट, दिस बिजनेस इज अबाउट शेयरिंग, दिस बिजनेस इज अबाउट केयरिंग। और एक और खुशखबरी, हर अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और टीम के पास एक एक्सीलेंट कमाल का प्रूवन ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है जो आपको वो सब देगा जो आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए। बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं जो आपकी मदद करेंगे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में और लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के माध्यम से कमाल की वैल्यू लेके जाने में। जो सेलिंग आप समझते हैं ना कि वो किसी गंजे इंसान को कंघी बेच दीजिए, आर्म ट्विस्टिंग, हाई प्रेशर टेक्निक्स, वो नेटवर्क मार्केटिंग
मार्केटिंग बिजनेस में कभी काम नहीं करते हैं। जनरली मार्केट में सेलिंग करेंगे तो काम खत्म है, हमारे यहाँ पे जब सेल्स होती हैं तो काम शुरू होता है। और आपको इस बिजनेस में सिर्फ उनके साथ काम करना है जो इस बिजनेस को करने में, आपके प्रोडक्ट्स को लेने में इंटरेस्टेड है। सो डोंट वरी अबाउट सेल्स एक्सपीरियंस और नॉट हैविंग सेल्स एक्सपीरियंस टू बिल्ड ए सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तीसरा सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं और बहुत लोगों के जहन में आता है, कई बार पूछ नहीं पाते हैं, डू पीपल रियली अर्न मनी इन दिस बिजनेस? क्या सच में पैसे आते हैं क्या इस बिजनेस में? द आंसर इज येस, पैसे सच में आते हैं, बट सिर्फ उन्हीं लोगों को आते हैं जो इस बिजनेस को बिजनेस मानकर सीरियसली करते हैं और सिस्टम के साथ तरीके से बिल्ड करते हैं। देखिए, व्हेन डू यू गेट मनी इन दिस बिजनेस और एनी अदर बिजनेस? व्हेन सेल्स हैपन, तो जब प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल होती है, चाहे वो आप डायरेक्टली करें या आपके पार्टनर्स करें, यू गेट कमीशन। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट लाइक इन एनी अदर इंडस्ट्री। मान लीजिए आप उदाहरण के लिए किसी एक कंपनी के लैपटॉप्स बेचते हैं, एक्स वाई जेड कंपनी है, उनके लैपटॉप्स बेचते हैं। अगर आप एक लैपटॉप बेचेंगे तो 1000 रुपये आएंगे, दो बेचेंगे तो 2000, 10 बेचेंगे तो 10000, 100 बेचेंगे तो 1,00,000। और हो सकता है आप खुद लैपटॉप्स बेचें, हो सकता है आप किसी को पार्टनर बना लें लैपटॉप बेचने के। अगर आप लैपटॉप को डायरेक्ट बेचेंगे तो 1000 रुपये आएंगे, अगर लैपटॉप आपने किसी के माध्यम से बिकवाया तो शायद उन्हें 700 रुपये आप देंगे, 300 रुपये आप रखेंगे। सो यू नो, लाइक इन एनी अदर बिजनेस हेयर ऑल्सो, वट एवर वॉल्यूम इज जनरेटेड, वट एवर सेल्स हैपन, उनके बेस पे एक सिंपल ट्रांसपेरेंट प्री डिटरमाइंड मॉडल के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। और दुनिया के हर बिजनेस में अगर आपको बड़ी इनकम कमानी है तो आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, एसोसिएट्स की टीम बनानी पड़ेगी। यहां पर भी वैसा ही है, यू नो, इफ यू वांट टू अर्न बिग मनी इन दिस बिजनेस, यू वांट टू क्रिएट अ नेटवर्क। यू टेक एनी बिजनेस ऑन अर्थ, इफ दे हैव गॉट बिगर नेटवर्क, दे आर सेलिंग मोर एंड दे आर सेलिंग मोर एंड अर्निंग मोर। सो सेम गोज इन दिस बिजनेस ऑल्सो। और अगर आप एक सही सिस्टम के साथ काम करेंगे तो यू कैन इवन गेट पैसिव इनकम फ्रॉम दिस बिजनेस। चौथा सवाल, विल आई हैव टू क्विट माई जॉब और प्रोफेशन फॉर दिस बिजनेस? क्या नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मुझे मेरे पुराने एग्जिस्टिंग जॉब को, प्रोफेशन को बंद करना पड़ेगा? नो, एब्सोल्युटली नो। इस बिजनेस की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है, आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में अपने करंट इनकम सोर्स के साथ साथ भी कर सकते हैं। नो, अगर आप चाहें तो पूरी जिंदगी आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ साथ लाखों रुपए की पैसिव इनकम का एक सोर्स भी सेटअप कर सकते हैं आप। यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस पार्ट टाइम होल लाइफ। और ये भी आप क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज देयर इज एन एक्सीलेंट सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल दैट हेल्प्स यू बिल्ड दिस बिजनेस विदाउट योर फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट। पांचवी चीज जो लोगों के जहन में है और जिसके लिए लोग इस बिजनेस से डरते हैं और कतराते हैं, शायद हमें डोर टू डोर सेलिंग करनी पड़ेगी। डू आई हैव टू सेल डोर टू डोर? देखिए, मेरा इस बिजनेस में 14वां साल है, ना तो मैंने आज तक कभी डोर टू डोर सेल्स किया और ना ही मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी किसी को इस बिजनेस में डोर टू डोर सेलिंग करते हुए देखा है। द बेस्ट थिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स। ये आपका बिजनेस है, आप इस बिजनेस के ओनर हैं, कंपनी आपको आपके वॉल्यूम के हिसाब से कमीशन देगी। आप वॉल्यूम कैसे जनरेट करते हैं वो आपके ऊपर, आप चाहें तो डायरेक्ट मेल यूज कर लीजिए, आप चाहें तो इंटरनेट यूज करिए, आप चाहें तो सोशल मीडिया यूज करिए। आपको कैटलॉग ब्रोशर्स बांटने हैं, डेमोस करने हैं, टेली मार्केटिंग करनी है, मीटिंग्स करनी है, हॉल मीटिंग करनी है, 1-to-1 करनी है, एवरीथिंग इज ऑन यू माई फ्रेंड। यू आर दी बिजनेस ओनर, सो यू डिसाइड हाउ डू यू वॉन्ट टू डू इट। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आई हैव नेवर सीन एनीबडी डूइंग डोर टू डोर सेलिंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, एंड आई रियली डोंट नो किसने ये अफवाह फैलाई है कि इस बिजनेस में ऐसा होता है। छठा सवाल और छठा वहम जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस से कतराने लगते हैं कि इस बिजनेस में रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स गेट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। देखिए, मैं आपको एक चीज स्ट्रेट बताता हूं, सीधी सीधी बात मैं आपसे करता हूं, रिलेशनशिप्स का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या दुनिया का कोई भी और बिजनेस। रिलेशनशिप बिजनेसेस की वजह से नहीं खराब होते हैं, रिलेशनशिप आपकी उस बिजनेस को करने के प्रोसेस और आपकी डीलिंग्स की वजह से खराब होते हैं। तो अगर आप किसी भी काम को सही ढंग से करेंगे तो रिलेशनशिप्स कभी खराब नहीं होंगे, आपको सिर्फ वो सही ढंग सीखना और अमल करना उसकी जरूरत है। इनफैक्ट आई कैन टेल यू वन थिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर नेटवर्क मार्केटर्स, आपको इस बिजनेस में अच्छे रिलेशनशिप्स मिलेंगे। और रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, नर्चर किए जाते हैं, वो आपको सिखाया जाएगा इस बिजनेस में। सातवां सवाल जो मुझसे कई सालों तक हजारों लोगों ने पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अचीव सक्सेस? कितना समय लगेगा इस बिजनेस में कामयाबी के लिए?
ये आप पे डिपेंड करता है। दिस प्योरली डिपेंड्स ऑन यू, आपके गोल्स कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं और आप कितना समय इस बिजनेस को देने के लिए कमिटेड हैं। वेरी सिंपल, आप डिसाइड करो कितना पैसा कमाना चाहते हो और आप डिसाइड करो हफ्ते में कितने घंटे लगाना चाहते हो। अगर आपको कुछ हज़ार रुपये चाहिए हर महीना इस बिज़नेस के माध्यम से, तो शायद फिर कुछ छोटे मोटे घंटे अगर हफ्ते में दोगे तो ये बिज़नेस चलना शुरू हो जाएगा सिस्टम के साथ। करो, मुझे लगता था मुझे लाख दो लाख रुपये महीना कमाने हैं, वो भी पार्ट टाइम में कमाने हैं, जॉब के साथ कमाने हैं, तो फिर मैंने एक अलग तरह के प्लान के हिसाब से काम करना शुरू किया। मुझे लगता था 10 लाख रुपये महीना आना चाहिए और एक डेढ़ दो साल के अंदर में आना चाहिए और पैसिव इनकम आनी चाहिए। मैंने फिर उस डिफरेंट लेवल ऑफ कमिटमेंट से, डिफरेंट माइंड सेट, डिफरेंट स्किल सेट, डिफरेंट टूल सेट के साथ, डिफरेंट स्किल सेट के साथ, एक अलग तरह के डिफरेंट एक्शन प्लान के साथ काम किया एंड आई गॉट फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम इन दिस बिजनेस इन 18 मंथ्स। 28 जून 2007 को बिजनेस को शुरू किया, जनवरी 2009 से आई स्टार्टेड गेटिंग पैसिव इनकम फ्रॉम दिस बिजनेस। क्या मैं सबको रिकमेंड करूंगा जिस तरह से मैंने उन 18 महीनों में काम किया सब वो करें? डिपेंड्स ऑन यू, आई कैनॉट रिकमेंड इट टू एवरीवन बिकॉज एवरीबॉडी डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट। आपका बिजनेस है, आपकी लाइफ है, आपके गोल्स हैं, आपका एक्शन प्लान है, आप डिसाइड करिए। यू चूज एवरीथिंग। यू नो द बेस्ट पार्ट इज यू हैव बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड बेस्ट ऑफ द टूल्स अवेलेबल जो आपकी मदद करेंगे ताकि आप अपने समय को, अपने घंटों को कई गुना बढ़ा पाएं और मनचाही कामयाबी हासिल कर पाएं। और आठवां सवाल, डू आई नीड टू नो ए लॉट ऑफ पीपल, क्या मुझे बहुत सारे लोगों को जानने की जरूरत है इस बिजनेस के लिए? इस सवाल के जवाब को आप गौर से समझिएगा। अगर आप इस बिजनेस को इसलिए शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास एक बड़ा सर्कल नहीं है तो फिर आप चिंता मत करिए। अगर आज आपके पास एक बड़ा सर्कल नहीं है तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कितना भी बड़ा आपका सर्कल होगा अल्टीमेटली आपको सीखना तो ये पड़ेगा ही कि आप अपने सर्कल को एक्सपैंड कैसे करें। और मुझे तो ऐसा लगता है आपके सर्कल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इस बिजनेस को सही लोगों को देना चाहते हैं। वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। आपको एक सही सिस्टम की जरूरत है जिससे आप कॉन्स्टेंटली उन सही लोगों तक पहुंच पाए। एंड वंस यू मास्टर दैट सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंटली एडिंग न्यू नेम टू योर पीपल एंड हाउ टू रीच आउट टू द राइट पीपल, आप समझिए आप इस बिजनेस में आसमान की ऊंचाइयां छू लेंगे। यू विल बिकम एन अनस्टॉपेबल अचीवर इन दिस बिजनेस। तो ये थे वो 8 अहम सवाल जिनके जवाब सही तरीके से नहीं मिलने की वजह से लोग इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। एंड आई रियली बिलीव दिस इज अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री विद सम रॉन्ग ओपिनियंस। ये कमाल का बिजनेस है, लेकिन लोगों की धारणाएं अपने खुद के एक्सपीरियंस की वजह से या किसी और के एक्सपीरियंस की वजह से इस बिजनेस को लेके गलत बन गई हैं। सो लेट अस स्प्रेड सम राइट इन्फॉर्मेशन एंड सम राइट फैक्ट्स अबाउट दिस बिजनेस एंड दिस वीडियो इज योर अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। मेरी बेटी बोलती है शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, रिसर्च किया, मेहनत किया, एडिटिंग हुआ, सब हुआ, पोस्ट हुआ, बट आपको सिर्फ एक शेयर का बटन दबाना है और इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के शेयर्स के माध्यम से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इंडस्ट्री की सही जानकारी पहुंच पाए। सो इफ यू लव दिस वीडियो डोंट कीप इट टू योरसेल्फ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो अपने तक मत सीमित रखिए, इसको फैलाइए, स्प्रेड द गुड वर्ड, शेयर दिस वीडियो एंड आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप एंड आई वांट टू ब्रिंग सम मोर प्राइड, सम मोर ग्लोरी टू दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। कीप शाइनिंग, लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टुगेदर। लव यू गाइस।